हाँ, गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग आप सभी को। सबसे पहले सुबह की प्यार भरी नमस्कार। और आप सभी को स्टार मैथमेटिक्स परिवार की ओर से, ठीक है ना, और मेरी ओर से 12th में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है भैया। हाँ, और आप सभी का स्टार मैथमेटिक्स परिवार में बहुत बहुत स्वागत है साथ में। और कोशिश करेंगे कि आपने हमें जिस भी तरह से सर्च किया है, ऑनलाइन सर्च किया है या ऑफलाइन सर्च किया है, जैसे भी सर्च किया है, हम आपकी उम्मीदों पर 99.99% खरा उतरेंगे, 99.99% खरा उतरेंगे। आपने जो भी हमसे उम्मीद की है कि ये सर ऐसा पढ़ाएंगे, इतने अच्छे से पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे, वैसा पढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे कि हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे। बात क्लियर? ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो, तो अब आपकी 12th में कितनी परसेंट बनी है ये अब आपको पता होगा, हालांकि मैं सभी से तो खैर नहीं पूछ सकता, सही बात है, नहीं है, लेकिन आपने 12th में जैसा भी पढ़ा है और जिस भी तरीके से पढ़ाया है, हमें उसे कोई आपत्ति नहीं है। आपकी 12th में 90+% है, 98 है या 48 है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ये बीएससी है, 12th और यहां जमीन आसमान का डिफरेंस होगा, ध्यान रखना। अगर कोई बच्चा 48% का है, अगर वो चाहे कि मैं सर पढ़ के 90% बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। और अगर जो 98 का है, अगर उसको ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया तो 48 पे आ सकता है वो, ध्यान रखना। इंस्पायर और निकल जाएगी उसकी, फिर इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलेगी ना, वो देख लेना आप लोग। उसके लिए बीएससी में फर्स्ट ईयर में कम से कम 60% की आवश्यकता पड़ेगी तुम्हें। तो ये हमारी जो क्लास है आज, केवल एक इंट्रोडक्शन क्लास है सेकावाटी यूनिवर्सिटी के लिए, स्पेशली ये क्लास है सेकावाटी यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए, स्पेशली क्लास है। इसमें वो सारी बातें होंगी जो आप जानने में इंटरेस्टेड हो, सर हमारा कैसे क्या पैटर्न होता है, कौन सी बुक्स आएगी, कैसे क्या होगा, कितने मार्क्स का पेपर होगा, क्लासेस कब से चलेंगी, कितनी आपकी फीस होगी, वो सारी बातें हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब आप लोग बच्चे नहीं रहे, अब आप लोग किशोर अवस्था है ना। अब हो सकता है कि आप में से कई बच्चे 18+ के हो गए हो, है ना, कई सारे बच्चे। तो कहने का मतलब अब तुम नौजवान बनने की ओर जा रहे हो, ठीक है ना, और नौजवान देश का भविष्य होते हैं, पता है ना। हाँ, और आप अपने देश का भविष्य कब बनोगे, जब आप अच्छे से मेहनत करोगे, दबा के पढ़ोगे, अच्छा नाम रोशन करोगे, आप अपना, अपने परिवार का, और कुछ एक अगर क्रेडिट देना चाहो तो हमारा भी दे सकते हो बाद में, पर हम कोई बात नहीं, अगर नहीं भी देते हो तो। अरे कम से कम आप अपना, अपने मां बाप का नाम रोशन कीजिए, हम उसी में खुश हैं, हम उसी में सेटिस्फाई हैं कि चलो ठीक है, बच्चे ने मेहनत की, उसको कुछ ना कुछ अच्छा अचीव हुआ, सही बात है। हाँ चलो, तो जब भी हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो श्री गणेशा है ना, मैं करते हैं आ जाओ, या अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेकर के काम स्टार्ट करते हैं भैया, तो गणेशाय नमः मैंने किया। सेकावाटी यूनिवर्सिटी का स्पेशल ये बैच होगा, ठीक है ना, सेकावाटी यूनिवर्सिटी का ये बैच स्पेशल होगा। सर बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट, या तो आपने कहीं एडमिशन ले लिया होगा या आपके भी एडमिशन्स वगैरह चल रहे होंगे, तो पूरा प्रोसेस से बेफिक्र हो जाइए, उसके बाद में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा आप लोग। चलो सर, सबसे पहले हमारे पास में सर कौन सी बुक है,
उसमें क्या क्या हमें देखना होगा वो सारी बातें हम आपके साथ में शेयर करते हैं। सर हमारे पास में जो पेपर है वो एक ही है, उसका नाम है सर जी कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, कलन बड़ा कैलकुलस में दो है, इंटीग्रल कैलकुलस आएगी और डिफरेंशियल कैलकुलस आएगी, दोनों आएंगे उसके अंदर, कलन एवं इष्टतमीकरण सिद्धांत, इष्टतमीकरण सिद्धांत ये हमारे पास में अवेलेबल है। कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, ठीक है आ जाइए बढ़ते हैं आगे। बेटा अब मैं बात करते हैं पेपर के पैटर्न की, है ना, पेपर पैटर्न की कि सर पेपर कैसा होगा, कितने मार्क्स का होगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, उसके बाद में फिर इसमें यूनिट की बात करेंगे हम लोग। सर पेपर पैटर्न की बात करते हैं भैया, सर हमारे पास में सर जी पेपर में चार यूनिट में इसको डिवाइड किया हुआ है, चार यूनिट, यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और सर हमारे पास में या फोर्थ, फोर्थ, चार सेगमेंट में है। जो थ्योरी पेपर होगा वो हमारा 70 मार्क्स का होगा, एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम, लास्ट का जो एग्जाम होगा एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम 70 मार्क्स का। तीस नंबर आपके मिड टर्म के होंगे, इंटरनल असेसमेंट के जो भी होगा वो कॉलेज वाले डिसाइड करेंगे, 30 मार्क्स आपके मिड टर्म के होंगे, या CIA वगैरह जो भी है वो होगा। बात क्लियर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, और इसमें सेकावाटी यूनिवर्सिटी में एक 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो रहा है, अब पता नहीं कि इन्होंने प्रैक्टिकल दे क्यों रखा है, मेरे को तो ऑप्टिमाइजेशन जो बुक है उसका प्रैक्टिकल भी है उसके अंदर 50 मार्क्स का, तो ऐसे मिलाकर के 150 मार्क्स का हमारा कंटेंट तैयार होता है, ठीक है 150 मार्क्स का। सर 70 में अब आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लो सबको आपस में, उतने उतने मार्क्स की हमारी एक एक यूनिट होगी। सबसे पहले हमारे पास में शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 10, वो हर एक क्वेश्चन को करना जरूरी है, करेंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में हमारे पास में बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, वो पेपर पैटर्न आपको वक्त के अनुसार मालूम चल जाएगा, आप उसकी चिंता ना करें, ठीक है ना, कि सर कैसे क्वेश्चन आएंगे क्या आएगा वो मैं आपको ऑटोमेटिक गाइड करता रहूंगा बीच बीच में, बीच बीच में। अभी आपने पेपर देखा ही नहीं तो कैसे बता दूं मैं कि क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा, ठीक बात है नहीं है। चलो पर ये शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना, और सर जी हमारे पास फिर लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन करना जरूरी है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास में ऑप्शन ऑप्शन अवेलेबल होंगे कि आप ये करिए ये छोड़ दीजिए, इतने करिए इतने छोड़ दीजिएगा, वो सारी बातें आपको वक्त के अनुसार मालूम चल जाएगी, आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, समय आने पर आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, उचित समय का इंतजार करेंगे हम लोग। अभी बस इतना कि हाँ ठीक है हमारा ऐसा ऐसा काम दाम होगा, ठीक है चलिए बढ़ते आगे। सर अब हम बात करते हैं यहां से सर जी की यूनिट में मैं क्या क्या पढ़ना है। सर हमारे पास में यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना होगा, यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना है भैया वो सुन लो। या सर यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ना है सबसे पहले सर जी पार्शियल डिफरेंशिएशन,
आंशिक अवकलन, पहले मैं इंग्लिश में लिख दूं, दूसरा डेरिवेटिव ओपन आर्क, ओपन आर्क एंड पेडल इक्वेशन, पेडल इक्वेशन, सर इसके बाद में हमारे पास में भैया कर्वेचर, वक्रता, सर उसके बाद में हमारे पास में आता है सर जी इसमें टेलर सीरीज, लॉरेंट है ना, उसमें कई सारे मेरे पास में एक्सपेंशन होंगे, इसमें कहने का मतलब मैं पावर सीरीज कह सकता हूं, लॉरेंट मतलब कई थ्योरम्स आएंगे इसके अंदर हमारे पास में। चलो तो सर हमारे पास में पहला है आंशिक अवकलन, दूसरा चाप का अवकलज एवं पदिक समीकरण, एवं पदिक समीकरण, पदिक समीकरण, तीसरा हमारे पास में सर जी वक्रता कर्वेचर, और सर हमारे पास में सर जी गात श्रेणी, इनके बारे में हम बातचीत करेंगे, ये आपके सिलेबस में पहली दो लाइन होंगी, मैकलारिन सीरीज है ना, रिमाइंडर टर्म निकालना वहां से है ना, टेलर्स है वो हम उसमें पढ़ लेंगे अपने आप। चलो जब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा तो अपने आप आ जाएंगे वो चीजें, तो मैंने एक में लिख दिया उसको सबको। सर यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर सेकंड में हमारा क्या क्या है जरा उसको पढ़ेंगे आप लोग यहां। सर यूनिट नंबर सेकंड में हमारे पास में सबसे पहला सर हमारे पास में एनवेलोप, एनवेलोप, सर दूसरा मैक्सिमा एंड मिनिमा, एंड मिनिमा उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, एवं निम्निष्ट, सर इसके पश्चात हमारे पास में एसएम टॉट्स अनंत स्पर्शियां, अनंत स्पर्शियां, और सर लास्ट कर्व ट्रेसिंग वक्र अनुरेखण, वक्र अनुरेखण, मैंने केवल चैप्टर्स के नाम लिख रखे हैं है ना, ध्यान रखना उसमें भी टॉपिक है फिर हमारे। सर यूनिट नंबर तीन, बड़ा जो स्टार्टिंग की जो दो यूनिट है हमारे पास में है डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक से हैं, अवकलन गणित की बुक से होंगी, अवकलन गणित की बुक से हमारे पास में ही होंगे भैया। दूसरा सर इसमें आते हैं हमारे पास में सर जी बीटा एंड गामा फंक्शन, बीटा एवं गामा फलन, गामा फलन, सर आगे हमारे पास में भैया क्या बीटा और गामा फंक्शन हमारे पास में हो गया। नेक्स्ट सर हमारे पास में डबल इंटीग्रेशन, द्वि समाकलन, सर ट्रिपल इंटीग्रेशन, त्रि समाकलन, त्रि समाकलन, सर हमारे पास में यहां एरिया एंड सरफेस, एरिया क्षेत्रफल निकाल लो, दूसरा सर जी हमारे पास में यहां पे क्या सर मैं वॉल्यूम एंड सरफेस लिख दूं डायरेक्ट यहां,
आयतन एवं पृष्ठ इसमें कहते हैं हमारे पास में क्वाड्रेचर क्षेत्रकलन और रेक्टिफिकेशन, हमारे पास में चापकलन दो चीजें हैं, है ना, तो वो इसी के अंदर मैं इंक्लूड कर दूंगा जब भी आएगा हमारा। मैंने बोल दिया है आप अपना सिलेबस उठाइए, आपको सारा कुछ मिल जाएगा उसके अंदर जो मैंने बोला है। और जब आप एप्लीकेशन में जाओगे तो आपको पहले सबसे पहले सिलेबस ही दिखाई देगा, वहां पूरा सिलेबस की पूरी पीडीएफ होगी, ध्यान रखना उसके अकॉर्डिंग ही वह क्लास मिलेंगे आपको। ये हमारे पास में सर इंटीग्रल कैलकुलस की बुक से है, समाकलन गणित की बुक से पढ़ेंगे हम लोग ये। नेक्स्ट सर यूनिट नंबर हमारे पास में है यहां चार, यूनिट नंबर चार में क्या आएगा ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, बस केवल नाम लिखूंगा। सर इष्टतमीकरण सिद्धांत, बेटा ये किताब है, अब इसमें जाएंगे तो हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, बेसिक सॉल्यूशन, आधारियल, फिजिबल सॉल्यूशन, सिंप्लेक्स मेथड, है ना, सिंप्लेक्स एल्गोरिथम, सिंप्लेक्स कलन विधि, ड्यूलिटी द्वैतता, है ना, असाइनमेंट प्रॉब्लम, मेरे पास में नियतन समस्या, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, परिवहन समस्या, इसमें सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग। तो मैंने केवल उसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है, आप देखिए अपना सिलेबस, मैंने जो बोला वो सारा दिख रहा होगा वहां। सर अब बात करते हैं फीस की थोड़ी सी, है ना सर, फीस स्ट्रक्चर हमारी क्या रहेगी, बड़ा एक सेमेस्टर के रहेंगे 2500 रुपए, फीस बहुत कम है कंटेंट को देखते हुए, ध्यान रखना, और हमारी मेहनत को देखते हुए। इस बार मैं सोच रहा फीस में 3000 कर दूं, पर मैंने सोचा ठीक है, बच्चे बोले कि सर 2500 ठीक थी, ठीक लिख दिया मैंने, अगली बार 3000 करेंगे। अगर आप फर्स्ट और सेकंड अलग अलग परचेज करते हो तो 5000 का पड़ेगा, लेकिन सर अगर दोनों सेमेस्टर एक साथ लेते हो, सेम फर्स्ट प्लस सेकंड, तो सर आपके पास में जो कोर्स एक्टिवेट होगा वो केवल और केवल 4500 रुपए में होगा। तो एक सेमेस्टर 2500 में, अलग अलग सेमेस्टर लेते हो तो 5000 में, और अगर दोनों सेमेस्टर एक साथ लेते हो तो 4500 में होगा, उसमें 500 का ऑफ रहेगा। आपको आपकी क्लास से पर्सनल मिलेंगी, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगी। अब आप लाइव लेते हो, रिकॉर्ड लेते हो, वो आपकी च्वाइस है कैसे लेते हो, ठीक है, कोई दिक्कत या किसी को भी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। मैं बढ़ू यहां से आगे, इसकी जो डेमो क्लासे हैं वो आप चाहो तो आपको वहां से यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी पर्सनली, बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट शेखावटी यूनिवर्सिटी के नाम से पर्सनली मिलेगी, आप उसको देख सकते हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आज हमारी सारी बातें हो चुकी हैं, टाइम हमारा वही 8 से 9 AM रहेगा, ठीक है ना। आपके पास में दो कोर्स एक्टिवेट होंगे, एक पूरा रिकॉर्ड मिलेगा आपको लास्ट ईयर का, ताकि आपको कोई दिक्कत ना है मिड टर्म वगैरह में, क्योंकि मिड टर्म में क्या है कि टेस्ट लेते हैं सर आपके कॉलेज वाले, तो कोई सी भी यूनिट का कोई सा भी टॉपिक दे सकते हैं, तो मैं सारी चीजें एक साथ अवेलेबल कर दूंगा आपके पास में। तो कैसे पढ़ना है वो आप डिसाइड कर लो, मेरी तरफ से पढ़ो, बस पढ़ो चाहे कैसे भी पढ़ो, ठीक है। और कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, मेरे हिसाब से समस्या नहीं आएगी और मैं आने भी नहीं दूंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना, राधे राधे, जय श्री कृष्ण भैया, मिलते हैं हम आपसे।